भाइयों, आज का वीडियो पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। ये जो दवाई आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसकी अगर आपने पूरी जानकारी ले ली तो आप चाहे खीरा लगाते हैं, तरबूज लगाते हैं, या आप घिया लगाते हैं, मिर्च लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, इस तरह की कोई भी अगर फसल लगाते हैं तो आपको ये जानकारी लेने के बाद अन्य जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए किसान भाइयों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं जो हर बीमारी की जड़ है, वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखें किसान भाइयों, ये हम दूसरे तीसरे दिन इसको निकाल देते हैं और फिर भी इसमें जो है ना बहुत सारी मक्खियां हर दूसरे तीसरे दिन भर जाती हैं। किसान भाइयों, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना इंतज़ाम करने के बाद, फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाने के बाद भी मैं आपको दिखाता हूँ फल मक्खी का कितना अटैक हो रहा है। ये हमारा तरबूज का एक नीर है और किसान भाइयों, इसमें आप देख रहे होंगे ये दो काले काले से छेद से नज़र आ रहे होंगे आपको, ये इस मक्खी का ही डंक है। ये मान लो कि ये मतीरा हमारा, ये तरबूज ख़राब हो गया है, डंक मार दिया इसने। अभी मैं और भी दिखाता हूँ आपको किसान भाइयों, ये हमारी तरबूज की फसल है किसान भाइयों। ये मैंने आपको दिखाया तरबूज में डंक लगा हुआ, और मैं अभी आपको खीरे में दिखाता हूँ। किसान भाइयों, ये हम खीरे के खेत में आ गए और खीरे में हम इसका नुकसान दिखाते हैं आपको, कितना इसका ज़बरदस्त नुकसान है। ये देखो किसान भाइयों, ये फल देख रहे हो आप, ये बिल्कुल यहाँ से ख़राब हो चुका, काना हो गया है। और भी बहुत सारे फल हैं, ये देखो ये भी ख़राब हो चुका है। और ये जो डंडी में आप देख रहे हैं ना, ये भी इस मक्खी की ही वजह से है। इन सब चीज़ों का एक ही जड़ है फ्रूट फ्लाई। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो आप देख रहे हैं हमारे खीरे की बेल की जो जड़ें हैं, ये भी इस मक्खी का ही कारण है किसान भाइयों। हो सकता है आज तक आपने इस चीज़ को न समझाओ, लेकिन मैं बता रहा हूँ 100% ये इस मक्खी का ही अटैक है किसान भाइयों। ये देखो किसान भाइयों, ये भी बेल यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, ये भी इसी मक्खी का ही कारण है। तो इस तरह की समस्या अगर आपके खीरे में भी आ रही है तो आपको भी वीडियो पूरा देखना है किसान भाइयों। मैं आज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आज का वीडियो देखने के बाद में आपको ये सारी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा, तो वीडियो को पूरा देखना किसान भाइयों। ये देखो किसान भाइयों, ये इसमें भी डंक लगा हुआ है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमें ये चीज़ समझनी होगी कि ये मक्खी आखिर इस तरीके से डंक क्यों मारती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, ये जब नर मादा का मिलन होता है तो मादा को जब अंडे देने होते हैं तो ये इस तरह की चीज़ों को ढूंढती है, जो हमारे बारीक बारीक फल होते हैं या हमारी डंडी होती है उसमें ये छेद करती है और वहाँ पर अंडे देती है, और अंडे देने के बाद में वहाँ पर लार्वा छोड़ती है और वहाँ सुंडी पैदा हो जाती है। किसान भाइयों, ये इस मक्खी के कारण ही सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आज आपको ऐसी दवाई बताने वाला हूँ, अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो 15 दिन तक आपकी खीरे की, तरबूज की, बैंगन की, मिर्च की, टमाटर की, इस तरह की फसल में मच्छर, मक्खी, सुंडी या इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी किसान भाइयों। किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर पूरी जानकारी लेनी है तो वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर अभी समय नहीं है तो वीडियो को छोड़ दो, दोबारा जब वीडियो को देख लेना किसान भाइयों। ये चीज़ें सारी समझनी होगी, क्योंकि बाद में बहुत सारे नुकसान हो जाएं और हम तरह तरह की दवाई मारते हैं और हमारा रोग कंट्रोल नहीं होता, तो वीडियो को पूरा देखना। किसान भाइयों, सोलोमन बायर का कीटनाशक है, सिस्टेमिक कीटनाशक है, इसके अंदर अमीडा क्लोरोपिड 19.81% है, बीटा साइपोथ्रीन इसके अंदर 8.49% है। किसान भाइयों, कौन कौन सी फसल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
किसान भाइयों, कौन कौन से कीटों पे ये काम करता है मैं आपको बता दूं। सेमी लूपर, इल्ली, तेला, तना छेदक, काली हरी सुंडी, बड़ी सुंडी, छोटी सुंडी, इन सब पे ये काम करता है। एफिड, जेसिड, सूट बोरर, फ्रूट बोरर, गर्डल बीटल, स्टेम फ्लाई जैसी कीटों पे ये कंट्रोल करता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, करेले की, लौकी की, खीरे की, तरबूज की, टमाटर की, खरबूजे की, धान की, मिर्च की, सोयाबीन की, बरबट्टी की, कपास की बागवानी, तिलहनी, दलहनी, सभी फसलों पे आप इसका इस्तेमाल किसान भाइयों कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके रिजल्ट की हम बात करें तो 12 से 15 दिन तक ये कोई भी इल्ली या मच्छर मक्खी आपकी फसल में नहीं आने देगा। किसान भाइयों, बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट हैं। अगर इसकी डोज की मैं बात करूं तो 15 से 20 ml 15 लीटर के पंप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी दवाई के साथ अगर आप इसे मिला सकते हैं तो फंगीसाइड कोई भी हो उसके साथ आप इसका मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, एनपीके के साथ मिला करके इसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी टॉनिक अगर आप अपनी फसल में दे रहे हैं उसके साथ मिला करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का ये प्रोडक्ट है, सिस्टेमिक कीटनाशक है। अपने खीरे की फसल में किसान भाइयों मक्खी से बचाने के लिए इस प्रोडक्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें। 15 दिन तक आपकी फसल में सड़न गलन या कीट नहीं आने देगा। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अन्य किसानों में शेयर करें, लाइक करें। जय जवान, जय किसान।